अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के चटपटे की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ पे मैंने 4 आलू बॉईल कर लिए हैं और इसे मैंने छील कर क्यूब्स में कट कर लिए हैं इस तरह से। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टी स्पून साबुत ज़ीरा, इन दोनों को हमें रोस्ट करके पाउडर बनाना है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून लेमन जूस। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम धनिया और ज़ीरा को रोस्ट कर लेंगे। मैं सॉस पैन में रोस्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं साबुत धनिया को रोस्ट करूँगी हल्की सी। इसे हम 1 मिनट रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी 1 मिनट हो चुकी है। अब इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। मैंने ज़ीरा इसलिए लास्ट में डाली हूँ क्योंकि अगर हम दोनों साथ डाल देते हैं तो ज़ीरा हमारी जल जाती है, क्योंकि ज़ीरा जल्दी रोस्ट हो जाती है। इसलिए हमें धनिया पहले डालकर थोड़ा सा रोस्ट करके फिर ज़ीरा डालनी है। ये देखिए हमारी धीरे धीरे रोस्ट हो रही है ज़ीरा। ये देखिए हमारी दोनों चीज़ अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इसे पाउडर बना लेंगे। हमें इसे 2 मिनट लगे रोस्ट करने में और ये जब ठंडी हो जाएगी तभी इसे हमें पाउडर बनाना है, और हमें दरदरा इसे पाउडर बनाना है। ये देखिए मैंने धनिया और ज़ीरा को दरदरा कूट लिया है। अब हम आलू चटपटे रेडी करते हैं। मैं आलू चटपटे कढ़ाई में बना रही हूँ। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाली है। अब इसे हम थोड़ा हीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी ऑयल हीट हो चुकी है। अब इसमें हम आलू डालेंगे अपने क्यूब्स में कटे हुए, और इसे हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करनी है, और इसे हमें ज़्यादा नहीं चलानी है, बहुत ही हल्के हाथों से चलानी है ताकि हमारे आलू जो है वो टूटे ना। ये देखिए हमारी जो आलू है वो 2 मिनट हो चुकी है फ्राई होकर। तो अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम कूटा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसे हम थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं ताकि जो आलू में सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं और मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी 1 मिनट हो चुकी है फ्राई करके। अब इसमें हम नमक डालेंगे और लेमन जूस भी डाल देंगे। लेमन जूस की हमें जितनी ज़रूरत है उतनी हम डालें। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपको जितने खट्टे खाने हैं आप उतने ही डालिए। अगर आपको लेमन नहीं पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी 2 मिनट हो चुकी है। लेमन जूस डालकर मैंने फ्राई कर ली है इसे 2 मिनट। अब हम इसको इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम डिश आउट करते हैं। हमारी आलू चटपटे बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दी है। अब इसे हम थोड़ी गार्निश कर देते हैं हरी धनिया से, इससे हमारी और अच्छी लगेगी दिखने में। तो ये देखिए हमारी आलू की चटपटे बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, और इसे आप शाम के स्नैक्स में खा सकते हैं या फिर बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।